प्रदेश सरकार ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को हिमाचल सरकार ने प्रोत्साहन राशि दूसरे राज्यों की अपेक्षा काफी कम है, ये कहना है खिलाड़ी सुषमा कुमारी का। हरियाणा, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में स्तर पर लगभग 3 करोड़ तक की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके इस सफलता का सारा श्रेय कोच संजीव ठाकुर, पूर्णचंद कटोच, रण सिंह और रतन लाल ठाकुर को जाता है, जिन्होंने मुझे प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया। सुषमा ने कहा कि वो अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुंची है और भविष्य में भी जब भी देश के लिए खेलने का मौका मिलेगा वो इस खेल को और भी मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि आज खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारें बेहतरी से काम कर रही हैं, इसलिए युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि रखनी चाहिए। मतलब सफर तो मैं जब से मैं अपने कोच के पास गई वहीं से मतलब जो है वो अच्छे वाली मेहनत स्टार्ट हुई। मतलब वहीं से जो है डिसिप्लिन, अनुशासन वहीं से सीखा कि कैसे स्पोर्ट्स मतलब कैसे वो करते हैं। पहले तो गांव में ऐसे खेलते थे, जैसे अभी मैं हमीरपुर में आई हूँ तो यहाँ भी ऐसे मतलब खेलते थे पहले सर के पास। तो जो मतलब असली जो स्ट्रगल लाइफ का शुरू हुआ वो सर के पास जाके ही शुरू हुआ, जो हमारे कोच है श्री संजीव ठाकुर जी। आपकी पढ़ाई हमीरपुर में हुई है? जी सर, मैंने दो साल हमीरपुर में पढ़ा है। मैंने गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की है और यहाँ पे बॉयज स्कूल में मैंने प्रैक्टिस की है 2 साल। पाई पाई से जब आपका मैच हो रहा था तो मैच एक ऐसे मोड़ पर आया जहाँ हार और जीत अनिश्चित थी, फिर कैसे क्या हुआ? सर नो डाउट जो चाइनीज ताइपाई की टीम थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उनके साथ जो हमारा पहले पूल की मैचेस होते हैं उनके साथ हम खेल लिए थे तो हमें वहाँ से थोड़े बहुत आइडियाज़ मिल गए थे कि कैसे इनकी टेक्निक, कैसे इनका प्लान्स हो गए। तो फिर लास्ट में तो फिर थोड़ा मतलब जो फाइनल मैच था थोड़ा प्रेशर भी था क्योंकि हम भारत के लिए खेल रहे थे वहाँ पे, तो पूरे भारत का मतलब थोड़ा होता ही है क्योंकि जो कबड्डी है हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो फिर और मतलब हमारे कंटिन्यू जो वर्ल्ड कप है चाहे एशियन गेम्स है सभी में हमारे कबड्डी के कंटिन्यू मेडल है। और जो 2018 में एशियन गेम्स हुआ था उसमें हमारा सिल्वर मेडल आया था, बॉयज़ का भी ब्रॉन्ज मेडल आया था, तो उसका थोड़ा ज़्यादा प्रेशर था कि इस बार गोल्ड लेके जाना है, अपना वापस गोल्ड लेना है। सिरमौर की एक छोटी सी गांव से निकली की लड़की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाती है, कैसे संभव हो पाया? सर गांव से मतलब हमारे पहले ऐसे खेलती थी लड़कियां भी, एक दो लड़कियां खेली थी तो फिर उनको देख के भी थोड़ा मोटिवेट हुए कि हमने भी ऐसे खेलना है देश के लिए। बाकी मैं जो हमारे देश के खेल मंत्री है श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो लोग स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव किया स्पोर्ट्स में।